अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू जमात तीसरी। हमारे सबक का नाम है नौ का चक्कर। क्या बात है भोलू, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? अजीब बात हो गई दीपू भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुआ क्या, कुछ बताओ तो। मैं आज सुबह मेले में गया था। तो फिर वहां मैंने ये नौ गधे खरीदे। फिर क्या हुआ? मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था, नौ ही थे। मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर न निकल गया हो। तो फिर गिन लेते। वही तो किया मैंने, गिना तो सिर्फ आठ गधे थे। अरे, एक गधा कहाँ चला गया था? चारों तरफ देखा, नजर नहीं आया। आखिर मैं गधे से नीचे उतरा और फिर गिना तो नौ गधे पूरे थे। चलो, तुम्हारा खोया हुआ गधा वापस मिल गया। अब इन सब को लेकर जल्दी से घर चले जाओ। कैसे जाओ भैया, एक गधा फिर गुम हो गया है। अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि नौ के नौ है। नौ कहा, फिर आठ रह गए। जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले इन्हें गिना तो फिर एक गधा कम था। देखो, मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। देखा, सिर्फ आठ रह गए। आठ गधे हैं ना नौ, मुझे तो पूरे दस गधे नजर आ रहे हैं। मुझे नौवा गधा नहीं मिल रहा है, तुम्हें दसवा कहाँ से नजर आने लगा? देखो, ये आठ गधे तो तुमने अभी गिने है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौवा गधा जिस पर तुम बैठे हो। अरे हाँ, और दसवा? वो जो नौवे गधे पर बैठा है।